अब हम बात करेंगे डैप्सो। डैप्सो डैप्सोन की बात करेंगे, जिसे क्या कहते हैं हम DDS। DDS मीनिंग क्या होता है DDS का? डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन्स। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये अमीन 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 लगे हैं तो इन्हें कहेंगे डाई अमीन। डाई फिनाइल डाई अमीनो डाई डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन्स। ये इसका क्या हो गया केमिकल नेम। अब बात करते हैं डैप्सोन के बारे में। जो हमारा डैप्सोन होता है वो DDS कहलाता है, जिसे डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन भी कहते हैं। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो हमारी होती है ऐसी होती है, इसमें अमीन लगे होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड लगा होता है। और इसके जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन। ये कैसा होता है? चिपेस्ट होता है, मतलब बहुत सस्ता मिल जाता है और सिंपलेस्ट होता है। चिपेस्ट होता है और सिंपलेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी लिप्रोटिक ड्रग। सबसे ज्यादा जो लिप्रोटिक ड्रग में यूज किया जाता है वो कौन किया जाता है? डैप्सोन यूज किया जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कलर कैसा होता है? वाइट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर। कैसा कलर होता है इसका डैप्सोन का? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। अब बात करते हैं इसमें ऑर्डर की। ऑर्डर होता है महक। इसमें महक कैसी आती है, कैसे होते हैं? ऑर्डर लेस होता है लगभग, इसमें कोई महक नहीं आती, ऑर्डर लेस। बात करते हैं इसके टेस्ट की, कि टेस्ट कैसा होता है इसका? टेस्ट कैसा होता है इसका? बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है। इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही कड़वा होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं इसकी। वाटर और एसीटोन में घुल जाता है, वाटर एंड एसीटोन में घुल जाता है। बात करते हैं इसकी स्टोरेज की।
क्या बात करते हैं इसके, हम स्टोरेज की बात करते हैं। क्या कहा जाता है, इस टाइटली क्लोज कंटेनर में रखा जाता है, स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड रेसिस्टेंट कंटेनर में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, स्टोर किया जाता है इन टाइटली क्लोज कंटेनर में, स्टोर किया जाता है। यूजेस की बात करते हैं, इसके क्या क्या यूज होते हैं। किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है, लिप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, कौन डेप्सोन यूज किया जाता है, और मलेरिया पैरासाइट में यूज किया जाता है, मलेरियल पैरासाइट में यूज किया जाता है, और जो हमारी स्किन में डर्मेटाइटिस में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटाइटिस। बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन के साथ, कॉम्बिनेशन किसका, कॉम्बिनेशन में वर्क करता है, कॉम्बिनेशन डेप्सोन प्लस पाइरीमेथामाइन। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर कहाँ यूज किए जाते हैं, नमूनिया में यूज किए जाते हैं। कहाँ यूज करते हैं, डेप्सोन और पाइरीमेथामाइन जो ड्रग्स होती हैं इनका कॉम्बिनेशन कहाँ यूज किया जाता है, उसे हम यूज करते हैं नमूनिया में। जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है किसका, डेप्सोन और पाइरीमेथामाइन का, कहाँ यूज किया जाता है, नमूनिया में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, किसकी प्रिपरेशन क्या क्या होती है। प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, जैसे कि डेप्सोन टैबलेट आईपी डेप्सोन टैबलेट बीपी और डेप्सोन टैबलेट यूएसपी। ये जो हमारी डेप्सोन होती है वो तीन फॉर्म में पाई जाती है, आईपी बीपी और यूएसपी। अब उसके ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं, इसका जो ब्रांड नेम होता है नेवाफोन होता है, नेवाफोन। और ड्यूब्रोनेक्स, ड्यूब्रोनेक्स ये दो ब्रांड नाम से मिलती है, कौन सी, डेप्सोन। कौन कौन से ब्रांड मिलते हैं, नेवाफोन और ड्यूब्रोनेक्स।